अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सब व्यूज़ का। काफ़ी अर्से के बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिज़ी हो गया था, कहीं गांव में हूँ। ये गंदम की कटाई का सीज़न फुल अरूज पे है, कटाई तकरीबन हो चुकी है और थ्रेशर के साथ निकाल रहे हैं गंदम। ये जगह जगह आपको तूड़ी की ढेरियाँ लगी हुई नज़र आएंगी। तूड़ी निकाल के साइड पे कर दी है और गंदम उठा के, अनाज उठा के लोगों ने बेच दिया है। कुछ जगह पर गंदम निकालने वाली अभी पड़ी है। आज 19 तारीख अप्रैल की हो गई है, मशीनी दौर आ गया है, बहुत जल्दी गंदम काट कर लोगों ने संभाल ली है। किसानों को डर होता है कि बारिश ना आ जाए, कोई मसला ना बन जाए। नहर भी फुल जा रही है पानी की। अभी कॉटन की जो है ना वो बिजाई शुरू हो जाएगी। वो सामने देखें ढेरियाँ लगी हुई हैं, तूड़ी की हैं, तूड़ी की ढेरियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा गंदम की ढेरियाँ लगी हुई हैं। मतलब इसको पंजाबी में इनू कहते ना जी पुलियाँ बनिया ने, आ पुलियाँ बन के रखियाँ वहाँ कणक दियाँ। थ्रैशर आएगी, ये दाने कट देगी, ढेरियाँ ला देगी दाने दे, ठीक है जी। थैलियाँ पा के फिर आवाम ने गलियाँ दे बेच देने, गवर्नमेंट नू बेच देने या प्राइवेट बेच देने। आ टरबैन लगी है जी, पिंड नू पानी सप्लाई जा रहा मिठा। तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम, जबरदस्त मौसम, हल्की हल्की तो नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी तेज़ गर्मी हो चुकी है अजकल दे दिनों के मुताबिक। 19 अप्रैल 2022, ठीक है जी। जमीन तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने कट ली वो जमीन तैयार कर रहे हैं बिल्कुल। तूड़ी दी तड़ां लगियां पईयां, जमीन रेडी हो रही हैं, कपास की बिजाई शुरू हुआ, कपास की बिजाई शुरू। तो बस थोड़ी जी हल्की जी तुहानू अपडेट देनी सी। जो लोग मेरे वीडियो चैनल में देखते हैं, क्या बात है जी, क्या नज़ारे है, नहर के साफ पानी के दरख्तों का अक्स नज़र आ रहा, क्या बात है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम बड़ा ज़बरदस्त, 9 बजे तक बड़ा प्यारा मौसम रहेगा, 8:30-9 बजे तक। उस तो बाद फिर चंगी गर्म हवा चलती चलेगी, फिर शामी 4:30 बजे जाके मौसम कूल डाउन हो जाता। तो वो वेखो मुरबिया के लोग जमीन के सुते हैं, जिन्होंने माल डंगर अंदर रखा हो ना, जिन्होंने माल डंगर रखा डेरिया से, वो इसे उन्होंने राखी सौंदे है भाई। तो यही अपडेट है जी। और नहर के परले पासे भी पई है कणक। लो जी, नवी अपडेट ये कि चक दे विच इत्थे जिहड़ा फिश फार्म सी ना बनिया, वो ढाता सारा उन्होंने, तो फसल दोबारा बीज दी उत्थे। वो भाई कहिंदा जी मैं रज गया फिश का कारोबार करके, उन्हें फिश फार्म खत्म कर दिता। तो आ भाई जी दोबारा उत्थे कोई पट्ठे छट्ठे बीजे मैं लगता। चलो जी फिर होर की नवी तजी है। वो यार जेडे मेरे वेखने वाले लोग आ, कोई सबसक्राइब भी कर दिया करो, कोई देख लिया करो। मैं कोई कमाइया नहीं करता इस चैनल तो, बस वैसे ही जरा शौकिया तौर पर कभी कभी दिल करे तो वीडियो बना ली दी है। इंशाल्लाह फिर वीडियो का एक नवा सिलसिला लैके आवेंगे थोड़े को। थोड़ा जहा मसरूफ होया सी किसी काम में, दसागा इंशाल्लाह तुहानू किहड़े काम मसरूफ होया। आ लो जी ते थले उतर गए सी हैं। आ किनुआ के बूटे लगे है जी सारे, किनुआ का सीजन नहीं है हले, आ भी कणक पई है जी। लो जी फिश फार्म ख़त्म हो गया तो पट्ठे बीजे गए हैं। वो कहना मैं रज गया मछियाँ बेच के। ये रेतला इलाका ना, पानी भी पूरा होता, पानी बहुत पाना पैंता बार बार। ओ थैले नज़र आ रहे होने ने, तूड़ी की तड़ लगी है तो नाल थैले पे आ, तो दाने उन्होंने कढ़ के रखे तो बंदा इतने कित सुता होना। लो जी सवेरे सवेरे बंदा आ गया एक रेहड़ी लैके, इन्हें हूँ पट्ठे वढ़ने, टाइम ना पट्ठे वढ़ के अपने घर में जाएगा, गर्मी तो बचेगा। और इस बंदे का नाम पता की है, ये यूनस साहब आ रहे हैं। लो जी चौधरी यूनस साहब आ रहे हैं जी, 171 मुराद के बड़े बड़े चौधरी। देख रहे जी मुस्करा रहा बंदा है। हेलो जी, आ सी जवी
लो जी आज जवी सी जवी इन्होंने या जवी है तो या कनोला आया मैं लगता कनोला आ जड़ा है ना ये कणक आ ठीक है जी। चलो मेरा ख्याल है इन्नी सवेरे सवेरे जमीन देख ली तुसी बहुत सूरज है निकल लिया नहीं गा तो वह हल्का हल्का निकलने की कोशिश कर रहा तो मैं क्या चलो जरा सवेरे सवेरे एक क्लिप बना के छेड़ दी है। लो जी अशाद साहब ताए शाद की जमीन है जी ताए शाद की जमीन तो अजकल मिट्टी चुक रहे शेवल आला बंदा एक भाजी आश फिकर मान उन्हों की आ गई जेड़े जेड़े लोग मैं वेखते उन्होंने पता मैं की गल करने वाटर सप्लाई चल रही पानी की क्या बात है मिठा पानी नहर का आए 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 ठंडा ठार दिल बहार क्या बात है। चलो जी फिर ओके अल्लाह हाफिज़।